आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव सरकड़ा खास पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 24 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 5000 वोट और 15000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर श्रीमती नसीमा बेगम संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ग्राम प्रधान नसीमा बेगम और सचिव इंतजार हुसैन, इन दोनों ने मिलकर गाँव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्षों गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के सरकड़ा खास ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है। आगे की पूरी जानकारी हम प्रधान पति से लेकर आपको बताएंगे, तो आइए बात करते हैं प्रधान पति से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल यहाँ नसीमा बेगम जी, जो की आपकी पत्नी है, उनके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में अब तक करवाए हैं? टॉयलेट बनवाई है, ODF हो गई, ग्राम ODF हो गई है, कॉलोनी दी है। कितने आवास दिए? लगभग 100-100 पर दे दिए। और टाइल्स भिजवाई है, स्कूलों का कार्यक्रम चल रही है। जी जी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट भी लगी है, बिजली पड़ी है, हम वाली लाइटें भी लगी है, बैटरी वाली लाइटें भी लगी है। जी जी जी। काफी जैसे सरकार की योजनाएं जो चलती हैं गरीबों के लिए, सरकार ने लागू की है उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इनका लाभ मिला है? आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड वगैरह ये सब बने हैं? राशन कार्ड को कुछ ध्यान नहीं दिया। राशन कार्ड हो गए, किसी के यूनिट गायब हो जाते हैं, किसी को राशन डीलर राशन नहीं देता, कम राशन देते हैं, तेल बिल्कुल नहीं बांटते हैं। तेल आता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कम आ रहा है लेकिन कम भी बांट नहीं पा रहे। मतलब यहाँ लोगों को जो है सस्ता गल्ला विक्रेता की तरफ से काफी परेशानी यहाँ हो रही है। परेशानी अब उसकी तरफ से है या मशीनों द्वारा है? मशीनों राशन नहीं देते। यहाँ पर जैसे सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर, पंचायत भवन ये है बने हुए? पंचायत भवन है, यहाँ पे इंटर कॉलेज है, ITI बन रही है, बड़ा अस्पताल है, एक छोटा अस्पताल 8 बेडों का है और 40 बेडों का बनने जा रहा है। जैसा कि आपने इतना सब कुछ बताया, गांव में काफी विकास हुआ है, इसके अलावा और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, एक मेन रास्ता है, उसमें पानी भरा है, उसे हमने कार्य योजना में शामिल कर लिया है। जैसे पैसे की उपलब्धता होगी, मिलेगी, हम पैसा मिलेगा, वैसे उस रास्ते में हम तुरंत काम लगा देंगे। गांव का मेन रास्ता है? गांव का मेन रास्ता है, लेकिन वो PWD में था, अब मैंने अपनी कार्य योजना में शामिल कर लिया है और नाम उसे मंजूरी के लिए DPRO को भेज दिया है। स्वीकृति मिली इसकी? हाँ, स्वीकृति मिल जाएगी, कार्य योजना में शामिल कर लिया है और जैसे पैसा मिलेगा उस रास्ते काम शुरू करा देंगे। सारी सुविधाएं यहाँ सरकार की तरफ से जो है इस ग्राम पंचायत में मिली हुई है, काफी अच्छी ये जो है बात। पानी की टंकी बन रही है, ओवरहेड टैंक बन रहा है, बन चुका, कंप्लीट हो गया। जी जी जी। मतलब विकास काफी चरम सीमा पर यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में हुआ है। एक आध महीने में पानी चालू हो जाएगा टंकी। क्या यहाँ रास्ते अभी भी कच्चे हैं? हाँ। कितने मीटर रास्ते अभी रास्ते लमसम यहाँ 2-2.5 मीटर कटते हैं, कच्चे हैं अभी। जो कार्य योजना शामिल कर ली है, पैसा जैसे ही मिलेगा तो फिर से उन्नति करा दिया। आवास मिलने के लिए अभी कुछ गरीब पात्र हैं? कम से कम 100-150 पात्र हैं अभी, जिन्हें कॉलोनी मिलनी थी और अभी आने के लिए, हो सकता है कि इस सरकार में जल्दी आने। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से आप रखना चाहेंगे? प्रमुख मांग तो यही है कि जो हमारे यहाँ अस्पताल अटका पड़ा है उसका काम कंप्लीट हो जाए, ITI कॉलेज है उसमें एडमिशन होने चाहिए, इंटर कॉलेज में एडमिशन होने जा रहे हैं, और जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं उनको कॉलोनी का बात। तो ये जो ITI बनी है, ये मतलब बनकर पूरी तैयार हो चुकी है? हाँ, पूरी तैयार हो गई है, मतलब साल भर हो गए तैयार। और अभी तक उसमें कोई एडमिशन प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है? नहीं, जो अस्पताल मंजूर हो गया है के लिए, उसे बनवाने के लिए भी अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। ठेकेदार जो पैसे लेकर माल लाते हैं, लेकर मतलब कोई काम नहीं हो रहा कर रहे हैं, केवल माल मटेरियल ला करके वहाँ डाला हुआ है, माल मटेरियल लाया उसे उठा के ले गए, उसे भी ले गए उठा करके। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान पति से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास यहाँ इन 4 सालों में हो चुका है, लगभग विकास की चरम सीमा पर यह ग्राम पंचायत है। यहाँ जो मूलभूत लोगों की जरूरतें हैं वो काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं, जैसे कि सड़क निर्माण, नाले निर्माण, ODF भी ग्राम पंचायत हो चुकी है, आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, ओवरहैंड टैंक का निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू होने वाला है।
इसके साथ ही यहाँ अगर समस्याओं की तरफ नजर करें तो कुछ समस्याएं यहाँ ऐसी हैं, जैसे कि ITI जो यहाँ पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है लगभग एक साल पहले, लेकिन अभी तक उसमें कोई एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यहाँ प्रधान का मानना है और मांग भी है इनकी कि इसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि लोगों को यहाँ इसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ ही अस्पताल का काम जो कि शुरू अभी तक नहीं हुआ है, मंजूरी हो चुकी है, ठेकेदारों ने मटेरियल तक लाकर वापस उठा लिया है, इसका अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो रहा है। मेरा मोदी सरकार से निवेदन है कि इनकी मांगों को पूरा करे। अशरफ अली के साथ मिनाजरीन टुडे 24 से। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुहेल अहमद, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सरकड़ा पास सेकंड। ये बताइए सर कि ग्राम प्रधान जी द्वारा यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य हुआ है? जी, प्रधान जी द्वारा कई विकास कार्य कराए गए हैं, जिसमें कि मुख्यतः जो आप देख रहे हैं टाइल्स लगवाई गई हैं, प्रत्येक टॉयलेट में टाइल्स लगवाई गई हैं, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ की सुविधा दी गई है, और इसी के साथ ही साथ किचन में भी टाइल्स लगाई गई हैं, विद्युतीकरण का कार्य भी चल रहा है, और हैंड वॉशिंग हो गया, बस इस तरीके की कई कार्य कराए गए हैं। जब जरूरत होती है विद्यालयों को समय देते हैं प्रधान जी। जी, प्रधान जी पूरा सही।